नमस्कार साथियों, मैं हूं रविकांत भगत। मेरा YouTube चैनल सुविधा 2010 में हार्दिक अभिनंदन। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे PFFS के बारे में। आपको पता है, हर साल वित्तीय वर्ष समाप्त होते ही PFFS पोर्टल को बंद कर दिया जाता है। उस समय चाहे आपका अपलोड किया हुआ जो राशि है वो अप्रूव हो या ना हो, और उसके बाद क्या प्रॉब्लम होता है कि आपको कुछ दिखता नहीं है कि आपका कौन सा राशि, कौन सा मद का राशि अप्रूव हुआ है, कौन का मद का राशि रिजेक्ट हो गया है या अपलोड नहीं हुआ है, या बहुत सारा स्थिति आ सकता है। आपको पता ही नहीं चलता है कि कौन किस स्थिति में है। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि अगर सोच लीजिए कि आपका अपलोड किए हैं लेकिन आपको पता नहीं कि यह राशि अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है, रिजेक्ट हुआ है या क्या हुआ है, किस स्थिति में है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि आपको ना विभाग से पता चल रहा है ना आप खुद पता कर सकते हैं, लेकिन हम इस वीडियो के माध्यम से आपको आसान तरीका बताएंगे कि इससे आप अपना राशि जो है किस वेंडर को दिए हैं या किस वेंडर का राशि अपलोड किए हैं, यानी कि किस वेंडर से आप खरीद रहे किए हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखना होगा और उस स्टेप को फॉलो करते हुए आप अपना आसानी से अपना जो मद है, मद की राशि को आप पता कर सकते हैं। आपको पता होगा इस वित्तीय वर्ष में आपको स्कूल डेवलपमेंट ग्रांट मिला था, जिसमें आपको 10% स्वच्छता पर खर्च करना था, बाकी अन्य अन्य खर्च में करना था। इसके बारे में हम बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं, अगर आप उस वीडियो को देखे हैं तो बहुत अच्छा, अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के बाद उसे भी देख लीजिए, क्योंकि आगे भी आपका काम आ सकता है। उसके बाद आपका खेल से संबंधित राशि मिला था और आपको कम्युनिटी मोबिलाइजेशन यानी कि पीटीएम यानी कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग के बारे में भी पैसा मिला था। उसके बाद SMC का पुनर्गठन यानी प्रशिक्षण के बारे में पैसा आया था। उसके बाद हो सकता है कि आपको ड्रेस का पैसा मिला हो, फ्री टेक्स्ट बुक का पैसा मिला हो, तो बहुत सारा पैसा आपको आया है। तो आपको पता होगा कि कितना पैसा किसमें खर्चा किया है, इसी के आधार पर आपको तय करना है कि कौन सा राशि क्या यानी कि किस मद का है। तो चलिए शुरू करने से पहले आपको हम बता दूं, वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों को, ताकि उन्हें भी इस प्रकार की कोई समस्या अगर हो तो उसका समाधान कर सके। और एक बात, अगर आप तुरंत इस वीडियो को देख ले, देखने के पश्चात आपका प्रॉब्लम अगर है तो उससे संबंधित अपना खंड विकास पदाधिकारी यानी कि प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी यानी कि संबंधित पदाधिकारी से संपर्क कर ले और उन्हें इससे अवगत करा दें कि आपका कितना राशि और किस किस मत का राशि को रिजेक्ट किया गया है। इससे क्या होगा, हो सकता है कि पुनः उस राशि को आपके लिए अलॉटेड उसे मांगा जा सके और आपके विद्यालय को ये राशि प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले क्या होगा, देख लीजिए लॉगिन में आएंगे हम लोग। लॉगिन में आने के बाद यहाँ जो सिलेक्ट दिख रहा है, यहाँ इस जगह में सिलेक्ट करेंगे और वर्ष सिलेक्ट करेंगे। देखिए हम लोग को क्या करना है, ये 2020-21 में चले जाना है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए आ गया 2020-21, इसको भूलना नहीं है, नहीं तो फिर नहीं आएगा। ओके, फिर क्या है, यूजर आईडी डालना है। यूजर आईडी क्या डालेंगे देख लीजिए, 2020 क्या है, पासवर्ड डालने के बाद हम लोग लॉगिन करेंगे। जैसे लॉगिन करेंगे देख लीजिए ये आ गया। आने के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, एक्सपेंडिचर में जाएंगे, ठीक है। एक्सपेंडिचर में जाने के बाद हम लोग को क्या है देख लीजिए, ये मैनेज में जाना है, मैनेज में। फिर मैनेज में जाने के बाद ऊपर में जो स्कीम है, इस स्कीम को सिलेक्ट कर लेना है, समग्र शिक्षा अभियान, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक बार सर्च करके देखते हैं क्या इसका रिजल्ट आता है। सर्च कर दिए देख लीजिए, सर्च में जो भी आया है डिटेल, हम इसको डिटेल को एक बार जूम करके दिखाएंगे। देख लीजिए आपका यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बिल वाउचर अपलोड हुआ है। 7 बिल वाउचर में से अब हम लोग फिर राइट टू लेफ्ट में हम लोग ये करते जाएंगे। देख लीजिए ट्रांजेक्शन डेट है, उसके बाद इधर स्कीम नेम, ठीक।
उसके बाद लास्ट में जाइए, देख लीजिए अप्रूव अप्रूव अप्रूव, कैंसिल कैंसिल अप्रूव कैंसिल। इसमें जो है हम आपको बता दूं, एक ठो अप्रूव हुआ है, दो तीन, और ये जो बीच का जो है दो ठो कैंसिल हुआ है। ठीक है, देख लीजिए ये एक और दो, ये कैंसिल क्यों हुआ है वो हम आपको बताएंगे, देख लीजिए अभी। ठीक है, इसमें फिर हम लोग एकदम लास्ट में चलेंगे, देख लीजिए ये जो है आपका चौथा और पांचवा बिल कैंसिल हुआ है। इसमें देख लीजिए आपका डेबिट बैच नंबर नहीं दिया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये डेबिट बैच नंबर यहाँ नहीं है। ठीक है, तो इसमें इसलिए कि यहाँ डेबिट नहीं हुआ इसलिए डेबिट बैच नंबर नहीं दिया है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, ये जो यहाँ ब्लू बार है ये इसमें टच करके देखते हैं कि इसका कैंसिल होने का कारण क्या था। जैसे हम टच करेंगे एक और नया पेज खुलेगा, उस पेज में आपको पूरा दिखाई देगा। देख लीजिए यहाँ हम लोग को क्या है, ये किसका वाउचर है ये भी बता दे रहा है। देखिए आपको यहाँ से आने के बाद ये पता चलेगा कि ये भागीरथ महतो का बिल है, और ये इसका कौन सा ग्रांट है, देख लीजिए ये कॉम्पोजिट स्कीम ग्रांट है, इसका आपका रिजेक्ट हुआ है यानी कि कैंसिल हो गया है। ठीक है, अब कैंसिल क्यों हुआ है ये देखना है, देख लीजिए। तो हम लोग इसमें ढूंढते हुए नीचे ऊपर जाएंगे, ये देख लीजिए स्टेटस, थोड़ा सा देख लीजिए स्टेटस कैंसिल है। ठीक, अब हम लोग को क्या करना है, उसको कैंसिल का कारण पता करना है। देख लीजिए यहाँ रिमार्क में ये ट्रांजिशन कैंसिल हो गया है, यानी कि समय रहते हुए ये समय पार हो गया है, किसी भी कारण से हो, बैंक बंद था या पीपीए लेट में पहुंचने के कारण ये ट्रांजिशन कैंसिल हो गया है। अब आपको क्या करना है, देख लीजिए यहाँ आपका पीडीएफ भी डाउनलोड हुआ है, कौन सा ये है पीडीएफ आपका जो बना है, बना के आपका वाउचर के साथ प्रोसीडिंग और वाउचर जो अपलोड है यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम अभी उसको नहीं दिखाएंगे, अब हम लोग को हिसाब करना है कि कितना पैसा आपको फिर से डिमांड करना है। ठीक है, यानी कि फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, देख लीजिए इसमें एक बैक बॉटम है, इस बैक बॉटम में चले जाएंगे। ठीक है, बैक बॉटम में जाने के बाद वही करेंगे हम लोग, इसमें फिर समग्र शिक्षा है तो ये है, इसको ऑल में हम लोग कर देते हैं, ऑल में ही सर्च करने से आ जाएगा। देख लीजिए इसमें आपको ये डिसाइड करना है कि ये कौन सा पैसा है जो आपको कैंसिल हुआ है। देख लीजिए 2423 और 4000 रुपया कैंसिल हुआ है, इसलिए आपको इसमें ये करना है। क्या आपको बता दूं, ये जो दोनों का बिल, ठीक है, ये जो दोनों आपका है बिल, ठीक है, बिल और प्रोसीडिंग, ये बिल भाउचर और प्रोसीडिंग दोनों लेकर आप अपने प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी यानी कि प्रखंड कार्यालय में संपर्क करें, और तुरंत संपर्क करें, इसमें देरी मत कीजिए, क्योंकि देर होने से हो सकता है कि फिर आपको ये जो राशि है आपको ना मिले, इसलिए तुरंत आप जाकर संपर्क कीजिए कि मेरा स्कूल के नाम इतना राशि प्राप्त हुआ था जिसमें से ये बिल इतना, जैसे आपका कॉम्पोजिट स्कीम में हो या जो भी स्कीम हो, ये आपको फिर से दिलाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब इस तरह से आप अपना जो बिल को एक बार फिर से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरा वाला भी चेक करते हैं कि दूसरा वाला क्यों ये रिजेक्ट हुआ, उसमें भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ भी हम लोग वही जाएंगे, स्टेटस में कैंसिल, और ये भी वही हुआ है ना, देख लीजिए ये ट्रांजिशन कैंसिल हुआ है, यानी कि आपको बैंक तक हो सकता है कि बैंक तक पहुंच गया है, और बैंक में किसी कारण से लेट होने के कारण 10 दिन आपका टाइम रहता है, आपका अप्रूव होने के बाद, 10 दिन का समय रहता है, इसमें ट्रांजिशन कर लेना है। 10 दिन किसी भी कारण से अगर बीत जाता है तो यह राशि आपको नहीं मिलेगा, ट्रांजिशन लेट होने के बाद ट्रांजिशन फेल बताता है। ओके, तो इस तरह से आप अपना राशि को फिर से पाने के लिए आप अपना ब्लॉक कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं,
और ये काम बहुत तुरंत कीजिए, अन्यथा इससे भी आप चूक जाएंगे। इसमें भी ये जो है कंपोजिट ग्रांट का ही है, ठीक है। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें और अपने जरूरतमंदों को शेयर कर दें। अगर आप नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको तुरंत मिल सके। तो चलते चलते इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नई जानकारी और नई उम्मीद के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।